SDM पालमपुर धर्मेश रमोत्रा ने कहा कि इस बार होली को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। 4 दिवसीय होली महोत्सव में रोजाना रक्त शिविर लगाया जाएगा। भी उन्होंने कहा कि होली कला मंच एक पवित्र मंच है और इसमें किसी को भी शराब पीकर कार्यक्रम पेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंच पर जाने से पहले कलाकार का अल्कोहल सेंसर से मेडिकल टेस्ट होगा। पे ब्लड डोनेट करेंगे। इसके अलावा जो कोई भी मेले में इससे प्रेरित हो कोई ब्लड डोनेट करता है उनका भी ब्लड संग्रहण वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि साथ लगते क्षेत्र में टांडा मेडिकल कॉलेज है और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ ये ब्लड की नितांत आवश्यकता रहती है, तो वहाँ पे इसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो 7, 8, 9, 10 में जो 8 तारीख है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है पूरे विश्व में, तो उस दिन जो रक्तदान रहेगा दिन रहेगा दिवस रहेगा उसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही रक्तदान करेंगी और हमारे कार्यक्रमों में भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। एक हम क्योंकि नशा आज की समाज में हमारे युवाओं को के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत सारी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है, तो हम चाह रहे हैं कि इस मेले का एक सदुपयोग इस तरह से भी किया जा सकता है या करेंगे हम कि जो हमारा स्टेज रहेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग कलाकारों को सुनने के लिए आए होंगे, हमारा ड्रग डी एडिक्शन के लिए भी या नशे के कुप्रभाव बताने के लिए भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो एक तो हम लगातार उसमें प्रयास करेंगे कि नशे से दूर रहने की कलाकार जो हैं एक अपील करें और जो भी बड़े कलाकार भी आते हैं वो भी नशे के कुप्रभाव से के बारे में बताएं और इससे दूर रहने की अपील करें। इसके अलावा एक हमारा प्रयास ये भी रह रहा है कि हिमाचल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बहुत नशे के खिलाफ एक अच्छी मुहिम लेके चली हुई है, अपनी युवा पीढ़ी को लेके काफ़ी संजीदा है, तो उसी प्रयास में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेज पे जो भी कलाकार जाए हम चाहेंगे कि उनको उनका हम एल्को सेंसर से ही पास होके वो जाए, तो हम कोशिश ये रहेगी कि हम पुलिस के साथ मिलके एक ये भी मुहिम चलाएं कि जो भी स्टेज पे कलाकार परफॉर्म करेगा He should be certified free from alcohol. तो एल्को सेंसर हम के प्रयोग के बाद ही उन्हें जो है स्टेज पे जाने देंगे। तो इस तरह के कुछ प्रयास हैं जो हमारे युवाओं को के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बहुत सारी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है, तो हम चाह रहे हैं कि इस मेले का एक सदुपयोग इस तरह से भी किया जा सकता है या करेंगे हम कि जो हमारा स्टेज रहेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग कलाकारों को सुनने के लिए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।